पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। महीना अप्रैल का है और उत्तराखंड गर्मी से बेहाल है। हल्द्वानी का तापमान अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 35 डिग्री के आसपास है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। गर्म हवाएं चलने से सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है। पहाड़ों की तरफ जंगलों में आग लगने की वजह से तापमान में और वृद्धि हुई है और उमस से आम जनता बेहाल है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जूस, बर्फ आदि का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी गर्मी पड़ रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी आने वाले दिनों में गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। ऐसे में अगर घर से बाहर निकलना है तो बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि मई और जून की गर्मी अभी जलाने के लिए तैयार बैठी है। गर्मी के चलते अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, सनबर्न और एलर्जी के मरीज लगातार आ रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि यदि गर्मी से बचाव करना है तो पानी, जूस अधिक मात्रा में लें, बाहर की चीज़ों को खाने से बचें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर एपिस्टैक्सिस मतलब नेजल ब्लीडिंग, नेजल ड्राइनेस, साइनसाइटिस और पोलन का सीजन, तो एलर्जिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरे जो पेशेंट्स आते हैं जनरल पेशेंट्स, उसमें डिहाइड्रेशन, कमजोरी, ब्लड प्रेशर का लो होना, ये सब परेशानी, चक्कर आना, ये सब बहुत परेशानी चल रही है, पेट खराब हो जाना। तो ENT के कॉज तो मेन यही है कि भाई नाक ड्राई होती है, पानी का इंटेक लोग कम करते हैं। गर्मियों में मिनिमम 2 से 2.5 लीटर पानी तो मिनिमम जाना चाहिए, कंजप्शन होना चाहिए। इससे कई बीमारियों से भी राहत मिलती है, जैसे नाक का सूखापन कम रहता है, सलाइन ड्रॉप्स आती हैं कई तरीके की। दूसरा, शिकंजी पीना, नींबू पानी बना के पीना, ORS का पैकेट अपने साथ रखना, ऐसी चीज़ें एनर्जी देती हैं जिससे कि इसको अवॉइड करा जा सकता है। और ब्लड प्रेशर के लिए वैसे भी आजकल जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर एपिस्टैक्सिस का ज़्यादा कारण रहता है। उसका कारण ये है कि नाक सूखी रहती है जिसके कारण से क्रस्टेशियंस बन जाते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, तो वो नाक से कोशिश करते हैं निकालने की। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या जो नॉर्मल पेशेंट्स भी होते हैं, वो कई बार नेजल पिकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ब्लीडिंग के कारण से उनको कई बार एडमिट भी करना पड़ता है 24 घंटे के। तो भाई इन सबका एक ही वो है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, खाना पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक चीज़ें ज़्यादा खाएं और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड पॉइजनिंग भी हो रही है, फूड पॉइजनिंग भी बहुत होती है इन आजकल के इस गर्मियों के सीज़न में। बाहर का खाना कम से कम खाएं, ठेलों पे गन्ने का रस ये सब आप पिए, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेके पिए कि जहाँ पे साफ़ सफाई हो सिर्फ वहीं पे पिया करें। ऐसा ना हो कि आपको बस आपको प्यास लगी और आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में कीटाणु बहुत ज़्यादा पनपते हैं। स्किन प्रॉब्लम भी आ रही है, स्किन डेफिनेटली सनबर्न्स और स्किन का जल जाना, प्रॉपर पानी नहीं होने से स्किन ड्राई रहती है जिससे कि उसमें खरोचे, स्क्रैचेस ज़्यादा लगते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली वो स्किन को भी अफेक्ट करते हैं ज़्यादा। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले की अपेक्षा वर्षा संग्रहण क्षेत्र का न्यूनीकरण हुआ है। जंगलों में लगने वाली आग से तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में टेम्परेचर का टॉर्चर और झेलना पड़ सकता है।